देवी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भाई जीवन लाल जी दिलीप सिंह आए हैं, आगे आओ दिलीप सिंह। भदरवा के हमारे प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार जी, दोनों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज बनी की सीट पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मौसम के कारण आने में बहुत देर हो गई है, इसलिए सभी का और विशेषकर माताओं बहनों का मैं माफी मांगकर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले सर्वाधार चंडी माता, नागदेवा और धौले माता मंदिर को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत। मदनोता में हमला हुआ, उसमें हमारे जवान शहीद हो गए, वो सभी शहीद जवानों को भी मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई बहनों, हमारे दोनों प्रत्याशी जीवन लाल जी और दिलीप सिंह आपके सामने उपस्थित। मैं आपको बताता हूं, अगर जीवन लाल जी और दिलीप सिंह जीते तो पूरे भारत में फटाके जलकर उसका विजय उत्सव मनाया जाए, और अगर इनके विरोधी एनसी और कांग्रेस वाले जीते तो भारत में फटाके नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में फटाके जलाए जाएंगे। मुझे बताओ बनी वालों, आपकी इच्छा है कि पाकिस्तान खुशियां मनाए? जरा जोर से बोलो, जरा आपकी इच्छा है? इन लोगों ने घोषणा की है कि एनसी कांग्रेस की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। बनी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? उन्होंने घोषणा की है कि शंकराचार्य चोटी का नाम बदल देंगे, बदलना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा है कि हम आतंकवादी और पत्थरबाजों को छोड़ देंगे, आप छोड़ना चाहते हो क्या? भाइयों बहनों, 40-40 साल तक हमारे जम्मू कश्मीर को एनसी और कांग्रेस ने आतंकवाद की भेंट चढ़ाई। बहुत समय के बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम दे दिया। भाइयों बहनों, अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जम्मू में भी आतंकवाद आएगा। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उमर छोड़ दीजिए, मैं बनी वालों को बताकर जाता हूं, अब्दुल्ला की पांचवी पीढ़ी आएगी तो भी अब आतंकवाद वापिस नहीं। ये दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया, और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी दोस्ती हमेशा की। राहुल बाबा, आपको याद नहीं, उमर जी के दादे को शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डालने का काम
आपकी दादी इंदिरा गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी, और देशद्रोह के आरोप में जेल में डाला था। आपका एजेंडा कुछ भी हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, अब यहां पर आतंकवाद वापिस नहीं आ सकता। भाइयों बहनों, अभी अभी ये राहुल बाबा ने स्टेटमेंट किया है कि हम रिजर्वेशन को हटा देंगे। अब मोदी जी आए, मोदी जी ने वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन दिया, मोदी जी ने पहाड़ियों को दिया, गुर्जरों को दिया, सरहदी जिले वालों को दिया, और आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया। अब ये कहते हैं दलितों का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे, एसटी का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे। भाइयों बहनों, आप रिजर्वेशन हटना चाहिए, मुझे बताओ जरा, हटना चाहिए? ये राहुल बाबा, आपकी मंसूबे कोई भी हो, मगर हम आरक्षण को आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब उमर अब्दुल्ला अब सपने देख रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। दो चुनाव के चरण समाप्त हो गए। बनी वालों में आज परिणाम बता देता हूं, दोनों चरणों में एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। और ये उम्र भाइयों बहनों, हमने यहां पर अनेक लोक कल्याण के काम करे। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ बनी वालों, आप सबके पास गोल्डन कार्ड है ना? 5 लाख की दवाइयां फ्री मिलती है ना? ऑपरेशन वगैरह होता है ना? अब ये दोनों को जिता दो, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी सारी माताएं बहने बैठी है, अब तक मैं आया ऊपर पहाड़ियों से, घरों में चिमनियां बनी क्योंकि गैस नहीं था। गैस देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब ये दोनों को जिता दो, दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस का सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम। किसानों को अभी 6,000 रुपया मिल रहा है, हर किसान को मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं। और मैं बता कर जाता हूं, ये दोनों को जिता दो, 6,000 की जगह 10,000 का चेक भेजने का काम मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, हमने यहां सड़कें बनाई, कई सारे काम करे, लखनपुर से बसोहली बनी तक नेशनल हाईवे बनाया, बनी से बसोहली सड़क को चौड़ा किया, नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी में बनाया, 72 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने का काम किया, 3500 परिवारों को बनी में मकान दिए, 46 बस्तियों को, 21 गांवों को रोड से जोड़ने का काम किया, सरथल में डिग्री कॉलेज बनाया, रोलका टेपर और डुग्गन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाए, और मंदरा बटोही और फलाल में माध्यमिक विद्यालय बनाए। और सबसे बड़ा काम हमारे बनी को मोदी जी ने सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, सुरक्षित सारे किसानों का
बिजली का दाम हम 50% कम करने वाले हैं। जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देंगे, जम्मू में मेट्रो देंगे। आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर हर साल नए बनाकर फिर से जम्मू में घंटा रहो हो ऐसा वातावरण करेंगे। तभी रिवर फ्रंट बनाएंगे, रंजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट्स की योजना लाएंगे और सभी विस्थापितों का पुनः हम उनको बसाने का काम करेंगे। 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का हमने तय किया है और जो पहाड़ी पर रहते हैं उनको घर बनाने के लिए 5 मरला जमीन भी देने का काम एक बार किया। भाइयों बहनों, 70 साल के बाद एक ऐसा शासन आया नरेंद्र मोदी जी का, जिसने जम्मू क्षेत्र का जो अन्याय होता था उसको समाप्त किया। हमने एम्स दिया, IIM दिया, ITI दिया, ढेर सारे विकास के काम किए और जम्मू क्षेत्र को अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जो अन्याय किया था वो अन्याय को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज ये NC और कांग्रेस दोनों हाथ मिलाकर झूठे वादे लेकर आए हैं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं, NC और कांग्रेस आई तो फिर से